कबीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा? आई अंडरस्टैंड। Then remember what I taught you, Khaled. मौका मिला तो कॉलेज चला जाना। So hello and welcome friends to today's video. मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियो। दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि नैना के मरने के बाद कबीर रूही की देख रेख करने लगता है। वो रूही को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पालता है और उससे बहुत प्यार करता है। साथ ही साथ वो अपनी ड्यूटी भी संभालता है। एक दिन कबीर रूही को फूल छोड़ने जाता है। जैसे ही रूही कार से उतरती है, वो कहती है, पापा आपने प्रॉमिस किया था कि सैटरडे को आप मेरे साथ बाबी हाउस खेलेंगे और आज सैटरडे है, आपको प्रॉमिस याद तो है ना। तभी कबीर उससे कहता है, अरे मेरी प्रिंसेस, पापा ने आपसे कोई प्रॉमिस किया और वो उसे भूल रहे, ऐसा हो सकता है क्या भला? बिल्कुल खेलेंगे, आप फिलहाल स्कूल जाओ, शाम को पापा और रूही साथ में खेलेंगे। रूही उसे हग करती है और स्कूल के अंदर चली जाती है। कबीर भी वहां से हेड ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, सब खड़े होके उसे सैल्यूट करने लगते हैं। वो अपने कैबिन में जाता है, तभी इंस्पेक्टर विक्रम उसके पास आता है और कहता है, जैन सर, कल सुनील सर ने 11 बजे मीटिंग रखी है, कहा है कि कुछ बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है। जिसके बाद मीटिंग रूम में सब पहुंचते हैं और कल सुनील सबसे कहता है, स्क्रीन पर आप जिसकी पिक्चर देख रहे हैं, ये घनश्याम त्रिपाठी है, लोग इसे घन्नू भाई कह के बुलाते हैं। 18 साल की उम्र से ये छोटी मोटी चोरियां करता था और फिर कुछ 9 से 10 साल पहले इसने अपना पहला मर्डर किया था। पुलिस इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं इकट्ठा कर पाई है, इसलिए कभी भी इसके खिलाफ कोई सॉलिड केस भी नहीं बना। उसके बाद इसने काफी मर्डर किए, गैर कानूनी धंधे, रेप, किडनैपिंग, हर एक चीज की, पर ये इतनी शातिर तरीके से सब करता है कि कभी पकड़ा नहीं जाता। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये शातिर दिमाग इसका है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये सिर्फ एक कठपुतली है, इसके ऊपर बैठा है हकानी। अगेन, कहानी के बारे में हमें पता है, पर हम हकानी को डायरेक्ट किडनैप नहीं कर सकते। कबीर पिछले 5 सालों से हकानी के खिलाफ एक क्लू ढूंढ रहा है, पर वो किस देश में छुप बैठा है ये नहीं पता लगा पाया। पर अगर हम गन्नू को पकड़ लें तो हकानी तक भी आसानी से पहुंच सकते हैं, और गन्नू को पकड़ने का हमारे पास काफी अच्छा चांस है। पिछले 3 महीनों से ये लड़कियों की तस्करी कर रहा है, इंडिया की बच्चियों लड़कियों को ये बाहर विदेशों में बेच देता है। कभी दिस केस इज ऑन यू, किसी भी तरह गन्नू को जिंदा पकड़ो और यहाँ लाओ। कभी गन्नू की फोटो ध्यान से देखने लगता है। शाम को कभी घर पहुंचता है तो देखता है कि घर में ताला लगा है। वो डोरमेट के नीचे चेक करता है, कीज वही थी। वो परेशान हो जाता है कि आखिर रूही कहाँ है। वो दरवाजा खोल के अंदर चेक करता है, लेकिन रूही अंदर भी नहीं थी। जिसके बाद वो रूही के स्कूल की प्रिंसिपल को कॉल करता है और उनसे पूछता है, हेलो मैम, मैं रूही का फादर बोल रहा हूँ, 2 बजे रूही की छुट्टी होती है, 5 बज गए हैं और रूही अभी तक घर नहीं आई है। तब रूही की प्रिंसिपल कहती है, बट मिस्टर कबीर, रूही की छुट्टी होते ही स्कूल बस सारे बच्चों को लेकर निकल गई थी और अब तो बस वापस भी आ गई है। तभी कबीर गुस्से में बोलता है, बस सारे बच्चों को लेकर निकली थी तो रूही कहाँ है? कबीर फोन कट करके रूही के स्कूल जाता है और वहाँ प्रिंसिपल ऑफिस में जाके कहता है, मेरी बच्ची कहाँ है? तब प्रिंसिपल कहती है, देखिए मिस्टर कबीर, काम डाउन, मैंने बस ड्राइवर और इंचार्ज दोनों को ही बुलाया है, और अगर रूही बस में चढ़ी होगी तो बस के अटेंडेंस रजिस्टर में रूही का नाम जरूर होगा। वो अटेंडेंस रजिस्टर चेक करते हैं, लेकिन रूही का नाम उसमें नहीं था। तब कबीर कहता है, व्हाट नॉनसेंस, रूही बस में चढ़ी ही नहीं और आप सब यहाँ आराम से बैठे हैं। क्या ये स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है कि जितने बच्चे आए थे उतने ही वापस भी जाए? आई स्वेयर, एक बार मेरी बच्ची को मिलने दीजिए, मैं आपके स्कूल में ना सब कुछ देख लूंगा, अच्छे से देख लूंगा, यू हैव टू पे फॉर दिस। तो अब अपनी बच्ची को कैसे बचाएगा कभी, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड स्टूडियोज को। और अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। नमस्कार।